सबसे पहले आपका स्वागत है सभी बच्चों का मेरे इस चैनल पर। चूंकि आप इन मेरे चैनल पर जो भी वीडियोस अपलोड होते हैं वो बहुत मन से देखते हैं, उसके लिए आप सबका धन्यवाद। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि ये और ग्रो करे और हमारा जो बनाया हुआ कंटेंट है वो और बच्चों तक भी पहुँचे। आज का जो मेरा वीडियो है वो आप देख रहे होंगे, जैसा लिखा हुआ है, गोलकुंडा मैप के बारे में है। और गोलकुंडा मैप हमने लेसन नंबर 10 में पढ़ा है, जिसमें हमने देखा था कि कुछ बच्चे एक फोर्ट में, एक किले में घूमने के लिए गए हैं। वहाँ आपको ये दिया गया है जिससे कि रिलेटेड आपको क्वेश्चंस करने हैं। तो चूंकि ये पहली बार आप कर रहे हैं, क्लास 3rd में, 4th में आपने सब नहीं किया है, तो कैसे मैप को हमें पढ़ना चाहिए वो एक कला होती है, इट्स अ काइंड ऑफ आर्ट। तो चलिए बच्चों, मैं आपको उसके अंदर बताती हूँ कि हमें इसको कैसे करना है। तो अब अपना वीडियो अच्छे से शुरू करते हैं। और नेक्स्ट जो है हमारा पार्ट है कि हम जब भी किसी मैप को अपने हाथ में लेते हैं तो हमारे पास तीन चीज़ों की जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला पार्ट होता है डायरेक्शंस का, जो दिशाएं, डायरेक्शंस मतलब कि आप मैप पर दिशाएं कैसे पता लगाएंगे कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण किस दिशा में है। तो बच्चों, जब भी आप मैप सामने रखते हैं तो सबसे ऊपर की तरफ जो डायरेक्शन है वो होता है नॉर्थ, यानी कि उत्तर। उसके जस्ट नीचे की तरफ होता है साउथ, जिसको कि हिंदी में बोलते हैं हम दक्षिण। जो आपका बायां हाथ है, जिसको आप जनरली जनरल शब्दों में उल्टा हाथ कहते हैं, वो होता है आपका वेस्ट। और जब आपका राइट हैंड है, जिससे आप मोस्टली लिखते हैं, उसको हम कहते हैं ईस्ट। एक चीज़ होगी डायरेक्शंस। दूसरी चीज़ होती है इंडेक्स। इंडेक्स जो है हर मैप पर होता है, हर मैप में इंडेक्स बना हुआ होता है, उसमें कुछ सिंबल्स होते हैं, उन सिंबल्स का उनके सामने एक्सप्लेनेशन दिया रहता है, उसको लिखा होता है, बनाया होता है। जैसे कि इस एग्जांपल आपके इस मैप में दिखाया गया है हॉज, हॉज लिखा भी है और उसकी पिक्चर भी बनाई गई है, उस पार्ट को हम कहते हैं इंडेक्स। तीसरी चीज़ होती है स्केल। हर मैप की, एवरी मैप, कोई भी मैप बिना स्केल के नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि उसमें हम रेशियो दिखाते हैं, इसमें स्पेलिंग गलत हो गई बेटा, एन की, और क्योंकि साइज ऑफ मैप का, क्योंकि हम एक बहुत बड़े ग्राउंड को एक छोटे से पीस ऑफ पेपर पर दिखा रहे हैं, तो हमें रेशियो लेना ज़रूरी होता है। जैसे कि आपके इस मैप में दिया गया 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 110 मीटर, तो ये इस आपके मैप का स्केल है, और हर मैप में स्केल आपको अलग अलग दिखेगा। अब हम चलते हैं अपने गोलकुंडा मैप की तरफ। ये आपका गोलकुंडा का मैप है और ये आपके क्वेश्चंस हैं। आप देखिए, जो सबसे पहला पार्ट मैंने आपको इसमें सिखाया था वो था कि ऊपर नॉर्थ, उसके जस्ट नीचे साउथ, आपके बाएं हाथ की तरफ वेस्ट और दाहिने हाथ की तरफ ईस्ट। ये है आपका इंडेक्स पार्ट और ये है आपका स्केल पार्ट। तो तीनों चीज़ें जब आप जान जाएंगे तब आपको इस मैप को पढ़ने और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स को करने में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप जब बड़े हो जाएंगे तो ज्योग्राफी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये मैप रीडिंग। आप देखिए कि पहला क्वेश्चन, जैसे कि आपके इसमें दिया है कि टेल एंड राइट, लुक केयरफुली एट द मैप ऑफ द गोलकुंडा, ऑन द मैप एरो शोज ऑल द 4 डायरेक्शंस, जो कि आप जान गए हैं। अगर डायरेक्शंस नहीं भी दिए हैं तभी भी वो फिक्स्ड होती हैं, इनको चेंज नहीं किया जाता है। तो इस क्वेश्चन में, इस गोलकुंडा मैप में पहला क्वेश्चन है कि इफ़ यू आर पीपिंग इनसाइड फ्रॉम द बोडली दरवाजा, इन विच डायरेक्शन फ्रॉम यू इज कोटरा हॉज। तो जब आप बॉडी दरवाजा से अंदर जा रहे हैं यहाँ से, तो ये है कोटरा हॉज, ये किस डायरेक्शन में है? नॉर्थ डायरेक्शन में। पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व। इफ समवन इज एंटरिंग फ्रॉम द बंजारा दरवाजा, इन विच डायरेक्शन फ्रॉम हर इज कटोरा विलेज। अब देखें हॉज, अब कटोरा हॉज जो है, अगर आप इस दरवाजे से अंदर आ रहे हैं तो किस डायरेक्शन में है? आपके साउथ डायरेक्शन में है। एंड इन विच डायरेक्शन विल यू वॉक फ्रॉम दिस पार्ट टू रीच द मोती महल। अगर आप यहाँ से जा रहे हैं तो आप मोती महल में किस डायरेक्शन में जाएंगे? ईस्ट डायरेक्शन में। यहाँ से आपकी एंट्री होगी और यहाँ आपका मोती महल है, ठीक है। और इस तरीके से आपने इन क्वेश्चंस को निकाला। देन हाउ मैनी गेट्स कैन यू सी ऑन द आउटर वॉल ऑफ द फोर्ट। ये दरवाजों के साइन हैं, अगर आप इनको काउंट करेंगे तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, तो यानी कि 8
दरवाजे हैं फोर्ट की बाहर वाली दीवार पर, तो ये अंदर की तरफ है इसलिए इसको हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि आउटर वॉल हमसे पूछी गई है। फिर है काउंट हाउ मेनी पैलेसेस आर देयर इन द फोर्ट। पैलेस के बारे में इन्होंने दिया, ये वाला साइन है पैलेस का, तो इस साइन को अगर हम देखें इंडेक्स में और फिर यहाँ काउंटिंग करें तो हमारे पास आ जाएंगे 5, 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि 5 महल इस पूरे मैप में हैं। देन व्हाट अरेंजमेंट्स फॉर वाटर कैन यू सी इनसाइड द फोर्ट, यानी कि इस फोर्ट के अंदर पानी के क्या अरेंजमेंट्स हैं। जैसे कि एग्जाम्पल इन्होंने दिया है वेल, टैंक, स्टेप वेल, इसमें इन तीनों में से नहीं है कुछ भी क्योंकि इसमें हमें दिया गया है यहाँ पर एक है हौज और एक है बावली। तो हम बताएंगे कि हमारे इस मैप में वाटर अरेंजमेंट्स हैं हौज एंड बावली। ठीक है, ऑन द मैप जो मैंने आपको स्केल दिखाया था, देखिए उसको यहाँ एक्सप्लेन किया इन्होंने, ऑन द मैप 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ 110 मीटर्स ऑन द ग्राउंड। नाउ टेल, ये आपको स्केल बता दिया उन्होंने एक रेशियो की 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है 110 मीटर्स सिर्फ इस मैप के लिए, हर मैप के लिए नहीं सिर्फ इस मैप के लिए, यानी कि गोलकुंडा मैप के लिए। तो इसमें उन्होंने पूछा है कि ऑन द मैप द डिस्टेंस बिटवीन द बाला हिसार एंड द फतेह दरवाज़ा, जो मैंने अपना नापा है उसमें करीब 11 सेंटीमीटर्स बैठता है। ऑन द ग्राउंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू वुड बी, अब क्या करेंगे हम 11 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम 110 से, तो यहाँ एक ज़ीरो और आ जाएगी, ठीक है ना, तो ये ज़ीरो आ जाएगी और ये हो जाएगा हमारा इतना मीटर्स हो गया। ओके, देन हाउ फार द मकाई दरवाज़ा फ्रॉम फतेह दरवाज़ा, फताई दरवाज़ा और मकाई दरवाज़ा में कितना डिस्टेंस है, तो अगर हम इस अपने उसके अकॉर्डिंग लिखें तो हमारा आएगा 10 सेंटीमीटर। ओके, अगर हम स्केल से लिखेंगे, लेकिन अगर हम मीटर्स में लिखना चाहेंगे तो फिर हमें फिर इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 110 से। जब 110 से करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1100 मीटर्स। ठीक है, तो अगर हम बच्चों जो मैंने आपको तीन चीज़ें शुरू में बताई उनको हम ध्यान से सीखते हैं तो हम इस मैप से रिलेटेड क्वेश्चंस की आंसर्स आसानी से निकाल सकते हैं। मुझे लगता है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, आप 6th, 7th, 8th तक इस वीडियो को देख करके मैप रीडिंग सीख सकते हैं। तब तक जब तक कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो नहीं दिखाती हूँ, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, एंड वंस अगेन इसको आप सब्सक्राइब ज़रूर करिए, शेयर ज़रूर करिए ताकि ये आपका मैटर और लोगों तक भी पहुँच सके। थैंक यू।